Hey, good morning guys, this is Saurav, welcome you all back to my channel Travel. I hope you all are doing good. भाई साहब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या वीडियो कर रहा हूँ सुबह सुबह घर पे. सुबह सुबह इन द सेंस आप देख सकते हो कि टाइम हो रहा है 4 बज रहा है, 4 बजा भी नहीं है, अभी भी पूरा अंधेरा है. ओ भाई मैडम जी यहाँ पर क्या कर रही है, क्या कर रहे हो मैडम जी? गरम पानी. मैडम जी ब्रेकफास्ट के लिए कुछ गर्म पानी वानी कर रहे हैं. एक्चुअली आज हम लोग जा रहे हैं ना जयमंगली ब्लैकबक रिजर्व, तो आपसे इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में. रेडी वेडी होते हैं उसके बाद निकलेंगे. एक्चुअली मैंने यूट्यूब में जितना भी वीडियो सर्च किया ना, वो लोग सभी इवनिंग के टाइम पर प्लान कर रहे थे, तो मैं सोचा भाई अपन का तो थोड़ा बहुत अलग कुछ करना रहेगा, तो हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं. या मैं हैबल से बोल रहा हूँ, कुछ 80 या फिर 85 किलोमीटर का डिस्टेंस है. लास्ट टाइम हम लोग मधुगिरी फोर्ट गए थे. एक्चुअली ये वाला जो ब्लैकबक सेंचुरी है वो मधुगिरी फोर्ट के बहुत ही नज़दीक है. तो हाँ चलते हैं, अभी पहले ब्रश कर लेते हैं, रेडी होते हैं. और अभी 4 बज गया, मुझे प्लान है 4:30 तक निकल जाएंगे, तो वहाँ पे पहुँच सकते 6:30-7 बज जाएगा. तो जितना जल्दी जा सकेंगे उतना जल्दी अपने को ब्लैकबक स्पॉट कर सकते हैं ना, क्योंकि सुबह या जैसे मैं बोला सुबह या इवनिंग को स्पॉट कर सकते हैं. तो हाँ चलते हैं, अभी जल्दी जल्दी रेडी वेडी होते हैं और उसके बाद आपसे मिलेंगे. चलिए for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ना जयमंगली ब्लैकबक रिजर्व में ना. भाई साहब वैसे कैमरा में तो इस पे शायद आएगा कि नहीं, ये देख सकते हो आप लोग ब्लैकबक. हम लोग जब अंदर आ रहे थे ब्लैक बक देख के मैडम जी पहले कुछ नहीं बोले, मुझे लगा ये कुत्ता है, कुत्ते जैसा लग रहा था, उसके बाद समझ में आया. मैं गाड़ी चलाते चलाते अचानक देखा, बोला वो देखो ब्लैक बक, वो ब्लैक बक वो जो तो लगा कुत्ता है. कहा गई वो? भाई साहब सीरियसली बहुत सारे है ना, आपको सुबह आना चाहिए देखने के लिए या फिर इवनिंग को, अगर धूप बढ़ जाता ना तो ये लोग शेड के नीचे चले जाते हैं, उसके बाद ये नहीं दिखते. मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा बहुत सामने जाने के लिए ना, वो तो बहुत ही शाय एनिमल है, मतलब इतना दूर से भी उनको अगर पता चल गया कोई आ रहा है.
ये जो कॉन्जर्वेशन रिजर्व है ये 2007 में ऑफिशियली एस्टेब्लिश हुआ था और ब्लैकबक का जो साइंटिफिक नेम है वो एंटीलोप कार्वी कैपड़ा है। लैटिन में एंटीलोपस का मतलब है हॉर्नड एनिमल और कार्वी कैपड़ा जो कि दो लैटिन वर्ड का कंपोज्ड है, कार्वस जिसका मतलब है डियर एंड कैपड़ा का मतलब है शी गोट। जो नॉर्मली लोग ब्लैकबक बोलते हैं ना उसका कारण है डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का जो अपर पार्ट होता है मेल्स का उसके कारण। ब्लैकबक और एक नाम से जाना जाता है वो है इंडियन एंटेलोप। नॉर्मली एक ब्लैकबक 10 से 15 साल तक का लाइफ स्पेन होता है उनका ना, अगर उसके सामने कोई सलमान खान का सामना ना हो। ब्लैकबक का जेस्टेशन पीरियड 6 मंथ का होता है ना और एक एवरेज मेल का वेट 20-57 kilos तक होता है और फीमेल्स का वेट होता है 20-33 kg। जनरली मेल्स को ही 35-75 cm का लॉन्ग कॉर्क स्क्रू हॉर्न्स होता है ना और कभी कभी फीमेल्स को भी डेवलप हो जाता है हॉर्न्स। ब्लैकबक जनरली 3 टाइप के स्मॉल ग्रुप में रहते हैं, फीमेल्स का ग्रुप, मेल्स का ग्रुप और यंग बैचलर का। और एक ब्लैकबक जो है वो ऑलमोस्ट 80 km/h की स्पीड में भाग सकता है ना। मैं यहाँ पे और ज्ञान पेल सकता हूँ लेकिन चलिए छोड़िए, अगर आपको और जानना है तो गूगल में एक सर्च फेंक के मारिए, आपको इसके बारे में और पता चल जाएगा। फिलहाल आप वीडियो एंजॉय कीजिए। भाई साहब यहाँ पे जहाँ पे भी जाओ ना ब्लैकबक मिल रहा है, वहाँ पे तो एकदम एक झुंड था। अभी वो दूर में वहाँ पर एक मेल ब्लैकबक बैठा हुआ है, शायद इस पे उतना आएगा कि नहीं। यहाँ पर बैठा हुआ है, जहाँ पे भी इतना अच्छा, ये बहुत ही अच्छा ओपन स्पेस है ना, ऑलमोस्ट 800 एकड़ लेके ये जगह पूरा फैला हुआ है। जय मंगली ब्लैकबक सेंचुरी। यहाँ पे आपको ब्लैकबक मिल जाता है और उसके बाद पीकॉक मिल जाता है और जैकल मिल जाता है। भाई बहुत सारे झुंड जा रहे हैं इस साइड में ना, और अभी थोड़ा बहुत टाइम हो गया ना, धूप जैसे बढ़ रहा है वो लोग अपने अपने मतलब ऐसे थोड़ा छाव वाव देख के अंदर चले जाते हैं। देखता हूँ मैं, थोड़ा सा ट्राई करता हूँ आगे जाने का। ओहो 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 ओहो, देख लिया मुझे, देख लिया, भाग रहा है। इतना दूर से देख के भाग गया ना मुझे। ओह हम लोग आते आते बहुत ही अंदर चले आए, अभी देखते हैं अभी बाहर निकलेंगे, भूख भी लग रहा है। और ये ब्लैकबक जहाँ पे भी दिख रहा है या फिर पीकॉक दिख रहा है ना, हम लोग अंदर आते गए बहुत ही अंदर आ चुके हैं अभी। हाँ मैडम जी, हाँ। भूख लगा है क्या? बहुत। तो अभी यहाँ थोड़ा सा सामने चलते हैं, उसके बाद खाना वाना खाएंगे, देखते हैं। और जाते हुए अगर अपने को पीकॉक का अच्छा सा शॉट मिल गया भाई साहब। ये देखिए मैडम जी को काम पे लगा दिया, मैंने बोला इनको थंबनेल के लिए फोटो क्लिक कर दिया। दूर से खींचो।
ऐसे ही होना चाहिए, पूरा बैठ बैठ के मजा लेके आ रही है, थोड़ा सा तो चलो भाई। हाँ मैडम जी, आया ठीक से फोटो? हाँ। थंबनेल के लिए अच्छा आया ना? हाँ आया। अगर नहीं हुआ तो आपको भेजेंगे अकेले, ठीक है? ओ भाई बहुत हो गया, एकदम पूरा अंदर तक चल गए थे ना देखते देखते। हम लोग ने कुछ पीकॉक्स भी स्पॉट किए थे, लेकिन कैमरा निकालते निकालते वो लोग, और हमारी हिंदी हिस्ट्री में ना, सनातन हिस्ट्री में ब्लैकबक का बहुत ही महत्व है ना, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनका जो चैरियट है वो ब्लैकबक ही खींचते हैं ना। और भाई जगह सीरियसली बहुत ही अच्छा है, और अपना गाड़ी जो ला रहे हो ना वो एक बार ये देख लेना कि गाड़ी का थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होना चाहिए, रास्ता बहुत ही ख़राब है, तो वह सब देख लेना। गरम पानी डालेंगे वो खा लेते हैं, और उसके बाद भाई साहब वापस तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके उसके बाद लेंगे। रेडी रेडी मैडम जी? तो गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है ना, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी और थोड़ा टाइम रुकते हैं, अभी टाइम हो रहा है 9:30 तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जगह सीरियसली बहुत ही अच्छा है, और आप ट्राई कीजिए अर्ली मॉर्निंग आने के लिए या फिर लेट इवनिंग आने के लिए ना, दोपहर को देखने का चांसेस बहुत ही कम रहता है ना, दोपहर को वो लोग खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट लेते हैं मैडम जी की तरह। हाँ तो आप लोग सुबह सुबह आने का ट्राई करना, और हाँ जगह सीरियसली बहुत ही अच्छा है, तो उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो आपसे मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग पे, कुछ दूसरी जगह पे, कुछ दूसरा कुछ एक्सप्लोर करते, तब तक के लिए बाय।